नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के कुक्षी के अंतर्गत आने वाले सुसारी गांव में नायब तहसीलदार के न्यायालय के आदेश से 10 मकानों को बेदखली के नोटिस ने भूचाल मचा दिया। 10 परिवारों को आनन फानन में बेदखली के नोटिस देकर बेघर करने की किसी की साजिश के चलते आदिवासी और लुहार ब्राह्मण समाज के रहवासियों पर जैसे पहाड़ टूट गया हो। अब इन परिवारों के समर्थन में सभी समाज ने मिलकर आज तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी समाज के इंदौर क्षेत्र के प्रमुख पहुंचे, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल ने पीड़ित परिवार से मिलकर हाल जाना और पीड़ित परिवार को के साथ खड़े रहने की बात कही। एक पत्रकार जो कि कई पीढ़ियों से वहां रहते आए हैं, पंचायत के द्वारा पट्टा भी दिया गया है, देखें खबर इसके पिलाई न्यूज पर। पारित किया गया बेदखली आदेश, उसके विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम, जिसे हम सहयोग के माध्यम से शासन तक भिजवा देंगे। तो शिकायत प्राप्त हुई थी कि भूमि पे शासकीय भूमि पे अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा, तो उस संबंध में प्रकरण दर्ज मोबाइल पीछे करो समझो भैया जारी किए गए थे, जवाब उनसे दिया गया और फिर अंतिम आदेश हमने पारित किया। सर, रहवासियों के द्वारा जमीन पर पट्टे दिए जाने की बात कही जा रही है? नहीं, ऐसा कोई इन्होंने साक्ष्य पेश नहीं किया है और ना ही किसी के द्वारा इनको पट्टे दिए गए। सर, प्रधानमंत्री आवास की राशि भी डली है, 2 किस्त इनके जी, वो पंचायत का मामला है, उस पर मैं जाँच करते हैं। अच्छा सर, आपको ये जो है संज्ञान में कब आया कि वो शासकीय भूमि पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले मैं संज्ञान में आया। सर, लगभग कितने समय से ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर? ये इनका कहना है कि हम 30 से 40 साल पहले से निवास रह रहे हैं, ऐसा कहना है। ये जो नोटिस दिया गया है सर, तो ये माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है या अपने राजस्व विभाग द्वारा जो है इनको जारी किया? नायब तहसीलदार बोले तो राजस्व विभाग ही हुआ एक तरह से, न्यायालय। देखिए, विगत 50 से 60 वर्षों से आदिवासी परिवार, लोहार परिवार और ब्राह्मण परिवार के लोग इस जगह पर निवासित हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन पर लंबे समय से लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं, और दूसरी तरफ कुक्षी विधानसभा के प्रशासनिक अमला नोटिस चस्पा करता है इनके परिवारों को कि आप मकान खाली करिए, नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। मैं इस तरह की कार्रवाई का घोर विरोध कर रहा हूं और हम इन परिवारों के साथ में हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कल पत्र लिखा है, माननीय महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, और आप देखिए 2 महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक 80 वर्ष की आदिवासी महिला जिसका बेटा नहीं है, बेटी की शादी यहाँ से करी, अब बेटी यहाँ पे उनके सेवा कर रही है। अब 80 वर्ष की उम्र में जिसके पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई पक्का मकान है, अपने आप को और बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज की महिला साथ में खड़ी है, 75-80 वर्ष की इनकी उम्र है। मैंने इनसे पूछा तो बताया कि मेरे बच्चों की मैंने शादी यहाँ से की है, अब इस उम्र में ये परिवार कहाँ जाएगा? मैं तो प्रशासनिक अमले से और माननीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आप तो इन सभी परिवार को पट्टा दे दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास जो देश के प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं पूरे देश में गरीब वर्ग के लोगों के लिए, जिनके पास नहीं है आशियाना नहीं है, तो इनके पास कहाँ आशियाना है? आप इनको प्रधानमंत्री आवास दीजिए और पट्टा दीजिए, ताकि ये स्थानीय परमानेंट यहाँ पर स्थापित हो जाए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं प्रदेश सरकार को, प्रशासनिक अमले को, पूरा आदिवासी समाज, पूरे प्रदेश के पूरी विधानसभा के पत्रकार साथी और हर वर्ग के लोग इन परिवारों के साथ में हैं। अगर प्रशासनिक अमला दादागिरी करेगा, जबरदस्ती करेगा, तो हम लोग मिलके इसका विरोध करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, 2 किस्तें भी डली है। देखिए, वही मैं देखा, पीछे जाके मैंने देखा कि शासन खुद ही इन जमीनों पे प्रधानमंत्री आवास दे रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास दे रहा तो फिर आप कैसे इसको मान सकते हैं कि इनका अधिकार इस जमीन पे नहीं है? इनका अधिकार है, ये अधिकार बना रहे,